जी जनाब, खुश आमदीद उर्दू शो पे। मेरा नाम है मुदस्सर और मैं हूँ नवील मुगल। अभी हम आते हुए बात कर रहे थे एप्पल के बारे में, जो लेटेस्ट डिवाइसेस रिलीज़ की गई हैं कल, आईफोन XS, XS मैक्स और आईफोन XR, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, उनके हम प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आप सब लोगों ने भी देखा होगा, हम आपको इम्प्रेशन देने आए हैं, फैसला आपने करना है कि लेना है या नहीं लेना। तो दो तरह के डिवाइसेस आए हैं, एक हाई एंड डिवाइस है जो आईफोन XS और XS मैक्स हैं, और आईफोन XR के नाम से दूसरी कैटेगरी आई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन XS के बारे में। XS जो सा है वो अपेरेंटली उसकी जो शेप है, जो साइज़ है और थिकनेस और टोटल वॉल्यूम जो सा है वो अपेरेंटली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है आईफोन X की तरह से, या आईफोन X जिसको नॉर्मली कहा जाता है। और जो XS मैक्स है वो अपेरेंटली बिगर साइज़ है, बिगर स्क्रीन है वो इन आईफोन 6.5 इंचेस, और मेरा ख्याल बिगर है अभी तक सबसे जो दूसरा नोट 9 है वो भी 6.4 इंचेस है, शायद ये 6.5 इंचेस है, और जो सा XS है वो 6.1 इंचेस है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशन में जो दो चार जिदा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो डिफरेंसेस हैं, पहली बात ये कि ये S जो है, S हमेशा उसका एक स्पेसिफिकेशन अपग्रेड होता है, इसमें ज़्यादातर ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते, तो आपको कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ शेप में कुछ चेंज नहीं, सिर्फ स्पेसिफिकेशन बम्प है, स्पेसिफिकेशन अपग्रेड है। तो क्या है, A12 बायोनिक चिप है, जो वो कहते हैं कि तकरीबन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टर, जैसे वो पावर एफिशिएंसी में तकरीबन 30% ज़्यादा बेहतर है, वो जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके अंदर वो 50% ज़्यादा बेहतर है, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह हम बात करते हैं। अगर बिल्कुल मोटे मोटे डिफरेंसेस गिनने हों टेन में और XS में, तो वो क्या है, स्पीड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। XS इज़ ऑलवेज बाय द वे रेफर टू स्पीड, 4S था या 5S, 6S, 7S नहीं था, और XS स्पीड, स्क्रीन रेजोल्यूशन, कैमरा रेजोल्यूशन, और जो सीरी अपडेट्स हैं और एप्लीकेशन अपडेट्स हैं वो तो iOS 12 के साथ सभी डिवाइसेस में आएंगी फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स, वो सब में आप लगा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। स्पीड, कैमरा, स्क्रीन रेजोल्यूशन, जो 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 उन्होंने चेंजेस बताए हैं वो आपको बता देते हैं। उसमें जो है वो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो उन्होंने बताए, जैसे स्मार्ट HDR कैमरा में उन्होंने बताया, तो स्मार्ट HDR क्या है कि वो आपकी फॉर एग्जांपल जैसे आप तस्वीर ले रहे हैं, अगर पीछे बहुत ब्राइट उसका बैकग्राउंड है तो उसकी कुछ 6-8 फोटोज़ लेता है और उसके बाद में उसको वो मर्ज कर देता है, तो वो स्मार्ट HDR है। 4K क्वालिटी अच्छी है कैमरे की। इस बार उन्होंने कहा कि हमारा फोकस सॉफ्टवेयर में होगा, कि सॉफ्टवेयर जो फोटो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो ये उनका फोकस था। इनका बैटरी लाइफ जो है वो आईफोन XS का 30 मिनट ज़्यादा है 10 से, और XS मैक्स का 90 मिनट, डेढ़ घंटा ज़्यादा है उससे आईफोन X से। और इसके अलावा, इसके अलावा बात करें तो बात होती है फेस आईडी की। फेस आईडी में वो कहते हैं कि ज़्यादा फास्टर कर दिया उन्होंने उसमें, इस तरह के चेंजेस हैं। वो जो इसका स्टील है वो स्टेनलेस स्टील, जो जेट ग्रेड स्टील है, एक नया कलर भी गोल्ड कलर उसमें उन्होंने डाल दिया, वो अच्छा है। वो मेरा ख्याल है जो अगर किसी को 10 से अपग्रेड करना है, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो एक अपग्रेड की खास रीज़न नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को करना है तो वो गोल्ड करें, क्योंकि वो एक नया कलर हो, बड़ा एलिगेंट और खूबसूरत है। गोल्ड से याद है वॉच भी रिली लॉन्च की गई सीरीज़ 4, तो मेजरली इसके अंदर यही डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो अपेरेंट डिफरेंस है जो कि आईफोन में मोबाइल में देखने में नहीं मिला लेकिन वॉच में है, वो शेप, उसकी जो बॉडी डिज़ाइन है उसका, वो थोड़ा सा चेंज किया गया। अच्छा, और इसके अलावा अगर आईफोन XR की बात करें तो जो है वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा चीप उन्होंने बनाया, तो उसमें क्या चेंजेस है, उसमें दो कैमरे की जगह एक कैमरा कर दिया, लेकिन फिर भी आप पोर्ट्रेट फोटो ले सकते हैं। हाँ, और थोड़ा सा चीप बना दिया, उसके जो बेजल्स हैं वो थोड़े से थिक हैं, आप वो देख सकते हैं। इस बात के ऊपर हमारी भी रास्ते में डिबेट हो रही थी, अपेरेंटली दूर से तो वो शायद सेम ही लगता है, लेकिन अगर आप उसको करीब से देखें तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, XR की बात कर रहे हैं, और जो बेजल है वो भी थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा है टेन से, या XS या XS मैक्स से, थोड़ी सी उसकी बेजल की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सामने से पीछे तो खैर पता चले गई एक कैमरा उसका, और फ्रंट से भी जो सा वो वाजे पता चलेगा कि ये XR है।
और 10R में जो है वो 6 किस्म के डिफरेंट कलर्स आए हैं. कलर्स अच्छा प्ले ऑफ कलर्स है, मज़ेदार कलर्स हैं. इसके अलावा कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है. तो जिनके पास आईफोन 10 ऑलरेडी है क्या वो अपग्रेड करें? अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं नहीं अपग्रेड करूंगा. अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं, मगर अगर 10 से करना है तो दो बार सोचिए, क्योंकि आईफोन 10 भी ऑलरेडी इतना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लोगों का ये था कि कुछ लोगों को ना प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, जैसे बैटरी लाइफ का प्रॉब्लम एंड ऑल दैट. अगर वो भी मसला है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका मोबाइल ठीक चल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल आपको चेंज करना. कुछ लोगों का यूजेज के हवाले से प्रॉब्लम था, क्योंकि आईफोन 10 में बेजल नहीं थी नीचे, तो अगर नीचे बिल्कुल नीचे की साइड पर बटन है भी है, कोई की है, कोई भी ऑपरेशन है, तो वो आपका अंगूठा जो है वो ईजिली वहाँ तक एक्सेसिबल नहीं है. अगर आप 7 या 8 को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अगर इससे हैप्पी हैं इसकी यूज़र फ्रेंडली होने से, तो मेरा ख्याल है कि आप यू आर फाइन. तो यही था छोटा सा रिव्यू देना था आपको. हाँ सॉरी, 3 मेमोरीज दी गई हैं 10 में, 10S और 10S मैक्स में, 128 GB, 256 GB और 256 और 512 GB, और जो 10 आ रहा है उसके अंदर 64, 128, 256 आईफोन 7 जैसी उसके अंदर दी गई हैं. चलें जी, यही थी आज की छोटी सी वीडियो. उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी. अगर आइए तो मेक श्योर इसको लाइक करें, चैनल को लोगों के साथ शेयर करें जो कि डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप आईफोन 10S, 10S मैक्स या आईफोन 10R से रिलेटेड. प्राइस जो सी है, अगर हम कम से कम बात करें, वो मेरा ख्याल कम से कम तो पता नहीं, लेकिन जो आईफोन 10S मैक्स है $749 है आईफोन 10R, $999 है आईफोन 10S और 1099 आईफोन 10 एज लो एज है. अगर मैक्सिमम 512 की, अगर यूएई में, यूएई के अंदर 512 GB आईफोन 10S मैक्स, दैट इज़ अराउंड 6,200 दिरहम. चलिए ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो.